लाइक जो डाइजेस्टिव सिस्टम हमें जानना बहुत जरूरी है। वार्म वेलकम टू एवरीवन इन टुडेस क्लास। दिस वीडियो रैंकेस आर गोइंग टू डिसाइड अ डिस्कशन ऑन ए इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे समझने के लिए बहुत जरूरी है बिकॉज हम डेली यूज करते हैं, रोज भोजन करते हैं, लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे कौन कौन से बॉडी पार्ट्स एक डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व होता है। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा आता है एक माउथ। जब हम भोजन करना स्टार्ट करते हैं तो हमारे माउथ में क्या सीक्रेट होता है? सलाइवा। सलाइवा हमारे माउथ से रिलीज होता है, जो मैं अभी भी रियलाइज कर सकता हूँ, जो आपके लार बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो आप रियलाइज करोगे जब सलाइवा सीक्रेट होता है उसके फंक्शंस क्या है। जब आप भोजन को चिवाते हो, भोजन को चिवाने के बाद आपके मुंह में एक सलाइवा सीक्रेट होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो सलाइवा क्या करता है? आपके भोजन को मिलाने में मदद करता है। उसके बाद जो भोजन आपने चिवाया उसके बाद वो आपके ईसोफेगस में आ जाता है। ईसोफेगस आपका क्या करता है? ट्रांसफर ऑफ फूड में मदद करता है। बट ईसोफेगस से तो आपका फूड चला गया, लेकिन यहाँ पे एक विंड पाइप भी होता है। फूड पाइप एंड विंड पाइप दोनों होता है। ये दोनों क्या करते हैं? फूड पाइप से आपका फूड चला जाता है, उसके बाद विंड पाइप और फूड पाइप के बीच में एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। ओके, वहाँ से अब एयर भी जाता है, लेकिन एपिग्लॉटिस क्या करता है? उसको ढक देता है, कवर कर देता है और हमारा फूड पाइप में फूड को ट्रांसफ़र करने में मदद करता है। लेकिन अगर कभी कभी उसी समय एयर भी ट्रांसफ़र हो जाता है गलती से, एयर वाले जो विंड पाइप है उसमें अगर फूड गलती से चला गया, जैसे हम खाते समय बोलते हैं या फिर कोई काम करते हैं, फिर खाते समय कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करते हैं, तो कभी कभी हम सड़क जाते हैं तो लोग कहते हैं कि आपको ये याद कर रहे हैं, वो याद कर रहा है, वो याद कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता है। साइंस में लोग यही कहते हैं कि अगर आपका फूड पाइप है, विंड पाइप है, अगर आप बोलते हो तो उसमें विंड पाइप में फूड चला जाता है, तो उससे क्या आदमी सड़क जाता है। ओके, नाउ अब हम लोग बात करेंगे जो हमारा फूड है वो ईसोफेगस से कहाँ चला गया? आपका स्टोमक में आ गया। आप फिगर में देख रहे हो आपका ईसोफेगस वहाँ पे स्टोमक में आ गया। स्टोमक जो आप देख रहे हो उसके फंक्शंस क्या है? स्टोमक आपका रिलीज करता है HCl। स्टोमक रिलीज करता है HCl, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, काफ़ी स्ट्रांग एसिड है। और ये HCl क्या करता है? HCl का फंक्शन क्या है हमारे स्टोमक में? HCl वो सारे जम्स को मार देता है जो हमारे फूड के साथ चला आता है। अनवांटेड जम्स को किल कर देता है। इट किल द बैक्टीरिया एंड जम्स विच मे बी इंटर थ्रू आवर फूड। ओके, दैट इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ HCl। HCl रिलीज बाय द स्टोमक। HCl हमारे स्टोमक के द्वारा रिलीज किया जाता है, दैट इज एसिड। ओके, और HCl एक स्ट्रांग एसिड है, जैसे हम लोग जानते हैं केमिस्ट्री में भी हम लोग पढ़ते हैं, साइंस में पढ़ते हैं कि स्ट्रांग एसिड, बट उसका नेगेटिव इफेक्ट्स हमारे स्टोमक में क्यों नहीं पड़ता है? हमारे बॉडी में उसका नेगेटिव इफेक्ट क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि हमारा जो स्टोमक है वो रिलीज करता है म्यूकस सबस्टांस। एक म्यूकस सबस्टांस रिलीज करता है जो चिकना पदार्थ बोलते हैं, एक गम लाइक स्ट्रक्चर होता है, चिकना पदार्थ होता है, जिसके कारण एसिड का नेगेटिव इफेक्ट्स हमारे बॉडी में नहीं पड़ता है। ओके स्टूडेंट्स, तो नेगेटिव इफेक्ट जो हमारे एसिड का नहीं पड़ता है, क्योंकि म्यूकस सबस्टांस स्टोमक के जो लेयर्स होते हैं उसके साइड में सीक्रेट होता है, उसके साइड में रहता है, जिसके कारण एसिड का नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट स्टोमक का जो स्ट्रक्चर होता है वो जे लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्टोमक का स्ट्रक्चर कैसा होता है? जे लाइक स्ट्रक्चर होता है, फ्लैटेंड जे लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, जे लाइक स्ट्रक्चर होता है। नाउ स्टोमक के बाद आप देख लोगे लीवर है आपका, इस डायग्राम में लीवर है। तो ये लीवर का फंक्शन क्या है? लीवर हमारे बॉडी में राइट साइड में प्रेजेंट होता है। लीवर हमारे बॉडी में राइट साइड में प्रेजेंट होता है, कैसे याद रखोगे? LIVER, लास्ट में आपका R है और हमारे बॉडी में राइट साइड में प्रेजेंट होता है। सेकेंड पॉइंट इज दैट अबाउट लीवर इज इट इज सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड, नॉट इट इज फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी में लीवर जो है पहला बड़ा ग्लैंड है। ओके, तो ये आपके एग्जाम्स में हमेशा पूछा जाता है, आप इसको 1 मार्क्स में आपके कई कई एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि लीवर जो है सबसे बड़ा लार्जेस्ट ग्लैंड है। उसके बाद लीवर क्या करता है? लीवर का कोई काम ऐसा नहीं है कि वो घर जाएगा या फिर पड़ोस में जाएगा। लीवर हमारे बॉडी में कोई तो फंक्शन करता होगा, तो लीवर रिलीज करता है बाइल जूस। लीवर रिलीज बाइल जूस, डैट इज स्टोर्ड कहाँ होता है? वो गाल ब्लडर में जाके जमा हो जाता है। जो आप फिगर में देख रहे बेलून लाइक स्ट्रक्चर है, ये बेलून लाइक स्ट्रक्चर में लीवर का जो बाइल जूस रिलीज होता है वो जाके जमा हो जाता है और टेम्प्रोरी जाके जमा होता है।
स्टूडेंट्स आई होप यू अंडरस्टैंड, आप समझ रहे होंगे कि जो बाइल जूस रिलीज होता है उसका फंक्शन क्या है। जो बाइल जूस रिलीज हो रहा है वो डाइजेशन ऑफ फैट्स में मदद करता है, फैट्स के डाइजेशन में मदद करता है। ओके, तो ये तो था लीवर का फंक्शन जो हमारे स्टोमक से सटा हुआ जो आप पिक्चर में देख रहे हो। उसके बाद जो हमारा स्टोमक है उसमें जो फूड है, ठीक है, उसके बाद जो हमारे स्टोमक में गया उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में मैं आपको पता होगा कि इसका नाम है लार्ज इंटेस्टाइन, बट इसके जो लेंथ है, लेंथ इसका कितना है 1.5, और हमारा क्या है, स्टूडेंट्स स्टोमक में बाद हमारा जो फंक्शन बात करेंगे हम स्मॉल इंटेस्टाइन की। जो हमारा कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड जो होता है वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, जिसको हम लोग हिंदी में छोटी आंत बोलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। ओके, इसका जो लेंथ होता है 1.5 मीटर लॉन्ग, गलत, इसका स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेंथ होता है वो होता है 7.5 मीटर्स लॉन्ग। मैं दोनों को कंपेरिजन करके आपको बता रहा हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो। स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ 7.5 मीटर लॉन्ग होता है, और आपको कहीं कहीं 6 मीटर भी मिलेगा, कहीं 7.5 भी मिलेगा, दोनों सही है, बट 7.5 को आप कंसिडर करोगे बिकॉज अकॉर्डिंग टू NCERT में आपका 7.5 लिखा हुआ है। नाउ अब हम बात करेंगे कि आपका लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर लॉन्ग होता है। दोनों को कंपेरिजन करेंगे अभी, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का और लार्ज इंटेस्टाइन का नाम ऐसा क्यों है। स्मॉल इंटेस्टाइन तो नाम बोला स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन है तो बहुत लंबा है। एक्चुअली विड्थ का डिफरेंस है जो चौड़ा है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो थीन है, और लार्ज इंटेस्टाइन का जो चौड़ाई है वो ज़्यादा है, इसलिए विड्थ के आप कंसेप्ट रखेंगे कि विड्थ को लेके इसके नाम रखे गए स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, तो विड्थ जो है आपका लार्ज इंटेस्टाइन का ज़्यादा है और स्मॉल इंटेस्टाइन का कम है, इसलिए इसका नाम लार्ज और स्मॉल रखा गया है। स्टूडेंट्स लार्ज इंटेस्टाइन में आपका क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड होता है, इसकी लेंथ 7.5 मीटर्स लॉन्ग होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है काफ़ी थीन होता है। और नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है, एक छोटे से स्पेस में आप देखोगे, आप फिगर में भी देख रहे होगे, फिगर में जो इसका पैक्ड है वो काफ़ी स्ट्रांगली पैक्ड है, और आराम से वो उसको अच्छे से पैक्ड लग रहा है। ठीक है, ये लंबा होता है, जैसे आप बोल सकते हो कि जो सेकेंड फ्लोर तक का घर होता है उतना बड़ा ये लंबा होता है, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, तो अब हम बात करेंगे कि हमारा लार्ज इंटेस्टाइन कैसा होता है। लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है हमारा 1.5 मीटर लॉन्ग होता है, ठीक है, और इसके फंक्शंस होते हैं, नाउ स्टूडेंट्स आफ्टर स्टोमक वी डिस्कस अबाउट दी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे बॉडी का, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड होता है, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। और आपको दिमाग में कॉन्सेप्ट आ रहा होगा कि हो रहा होगा कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसको स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बोला गया, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये हमारा देखने में स्मॉल नहीं होता, ये काफ़ी लार्ज होता है और थीन होता है और लार्ज होता है, काफ़ी बड़ा होता है, दैट इज़ अबाउट 7.5 मीटर्स लॉन्ग। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेंथ है कितना है, 7.5 मीटर्स लॉन्ग। आई होप यू अंडरस्टैंड, हम लोग अभी लिखेंगे के करके, लेकिन पहले समझेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, सेकेंड पॉइंट इज दैट इट्स लेंथ इज 7.5 मीटर लॉन्ग। ओके, थर्ड पॉइंट इज दैट इट इज कॉम्पैक्टली पैक्ड, बट स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल क्यों बोला गया, क्योंकि इसका जो विड्थ होता है, स्टूडेंट्स इसका जो विड्थ होता है वो कैसा होता है, थीन होता है, मतलब ज़्यादा विड्थ नहीं होता है, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन का जो विड्थ होता है वो ज़्यादा होता है, दैट इज कंपेरिजन टू स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, इसलिए इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज बोला गया, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन का जो विड्थ है वो ज़्यादा है, और लेकिन लेंथ की अगर बात करें तो उसका कितना है, 1.5 मीटर लॉन्ग। ओके, अब हम बात करेंगे इसके फंक्शंस की, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे थोड़ा सा पेनक्रियाज के बारे में। आपने देख, स्टोमक के जो पीछे है आपका क्या पेनक्रियाज है, स्टोमक के पीछे आपका क्या पेनक्रियाज है, आप इमेज में देख सकते हैं स्टोमक के पीछे आपका क्या पेनक्रियाज है। तो स्टोमक के पीछे जो पेनक्रियाज है उसके फंक्शन क्या है, फर्स्ट पॉइंट इज दैट अबाउट पेनक्रियाज इज अ क्रीम कलर ग्लैंड,
सेकेंड पॉइंट इज दैट इट इज सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी में सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, पेनक्रियाज। थर्ड पॉइंट इज दैट पेनक्रियाज रिलीज पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियाज क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये रिलीज करते हैं पेनक्रियाटिक जूस को, जिसका फंक्शन होता है डाइजेशन करने में, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट को डाइजेशन करने में मदद करता है। पेनक्रियाज सीक्रेट रिलीज पेनक्रियाटिक जूस विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। ओके, लीवर में मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि वो बाइल जूस सीक्रेट करता है, गाल बडर में जमा होता है और फैट्स का डाइजेशन करने में मदद करता है। तो अभी तक हम लोगों ने बात किया, फूड ट्रैवल हुआ हमारे माउथ से इसोफेगस होते हुए हमारे किस में आ गया, स्टोमक में आया, स्टोमक में एससीएल होता है, एससीएल बैक्टीरिया को किल कर देता है और म्यूकस सबस्टांस जो होता है वो उसके नेगेटिव इफेक्ट से बचाता है, मीन्स एससीएल का बुरा प्रभाव हमारे पेट पे नहीं पड़ता है क्योंकि वहाँ म्यूकस सबस्टांस है। हमने इसके बाद डिस्कस किया लीवर के बारे में, लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड हमारे बॉडी का, बॉडी के राइट साइड में प्रेजेंट होता है और ये बाइल जूस सीक्रेट करता है जो कहाँ जमा होता है, गाल ब्लैडर में जाके जमा हो जाता है, जो बेलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, बेलून की तरह रहता है, टेम्प्रोरी जमा होता है, विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स, जो फैट्स के डाइजेशन में मदद करता है। उसके बाद हम लोगों ने बात किया था स्मॉल इंटेस्टाइन की, अब उसके बाद हम लोग पेनक्रियास के बारे में, स्मॉल इंटेस्टाइन में थोड़ा और डिप्थ में जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं पेनक्रियास के बारे में बता दूं। स्टोमक के जस्ट पीछे आपका पेनक्रियास होता है जो क्रीम कलर ग्लैंड होता है, पेनक्रियास पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है और हमने बात किया था कि जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में मदद करता है। नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन में मैं बताया आपको कि क्वाइल लाइक स्ट्रक्चर होता है, 7.5 मीटर लॉन्ग इसका लेंथ है और इसको स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए बोला गया क्योंकि ये थीन है ना। अब हम बात करेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या से क्या उसमें होता है। एक तो क्वाइल लाइक स्ट्रक्चर है, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड हो रहा है स्टाइन में, कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एक विलाई लाइक स्ट्रक्चर होता है, आपने सुना होगा VILLI। इसका फंक्शन क्या, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है और इसमें क्या होता है, फूड जाके डाइजेशन होता है। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन में तो डाइजेशन होता है, लेकिन अगर कोई पूछे कि स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट है जिसमें कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड होता है, दैट इज विली VILLI, जहां पे क्या होता है कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड होता है, वही मदद करता है। जब डाइजेशन होता है फूड का, पूरे ब्लड वेसल्स जो हमारे आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, कैपिलरीज है, उसके थ्रू क्या होता है पूरे बॉडी में ट्रांसफर होता है और हमारे बॉडी को एनर्जी मिलता है डाइजेशन होने के बाद, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। ओके, तो विली हमारा क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, इट इंक्रीज द एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ये हमारे जो एरिया है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड का, डाइजेशन ऑफ फूड का मदद करता है इसको एब्जॉर्ब करने में, डाइजेस्ट करने में, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का 1.5 मीटर लॉन्ग लेंथ होता है और ये क्या करता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो फूड अनडाइजेस्टेड है उसमें से वाटर और साल्ट्स को एब्जॉर्ब करता है, वाटर एंड साल्ट्स को एब्जॉर्ब करता है, हमारे बॉडी में लेके आता है, ये फंक्शन है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे रेक्टम का, उसके बाद हम बात करेंगे एनस का, जो हमारे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जो वेस्ट मटेरियल्स हैं, जो हमारे जो रिलीज होते हैं हमारे बॉडीज के द्वारा, वो जाके कहाँ स्टोर होता है, रेक्टम में, जो टेम्प्रोरी स्टोर होता है रेक्टम में। ओके, जो आप फिगर में भी देख सकते हैं। उसके बाद जो हमारे अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स है जो हमारे बॉडी से रिलीज होता है वो जाके एनस से रिलीज हो जाता है। ओके, डैट इज अ कम्प्लीट डिस्कशन अबाउट दी डाइजेस्टिव सिस्टम। नाउ हम लोग एक करके अब देखेंगे, हमारा जो स्टार्ट हुआ डाइजेस्टिव सिस्टम वो हमारा किससे स्टार्ट हुआ, माउथ से स्टार्ट हुआ, माउथ के किससे स्टार्ट हुआ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बकल कैविटी से हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो गया। ये क्या सीक्रेट करता है, सिलाइवा, मतलब वही लार, सिलाइवा सीक्रेट करता है एक एंजाइम, सिलाइवा रिलीज इंजाइम, दैट इज इंजाइम जो रिलीज का क्या है हमारा सिलेवरी एमाइलेज जो रिलीज किया सिलाइवा ने, सिलेवरी एमाइलेज सीक्रेट किया। उसके बाद हमारे जो माउथ से सिलाइवा सीक्रेट हुआ उसके बाद कहाँ गया, इसोफेगस में गया, ठीक है, इसोफेगस में हमारा फूड ट्रांसफर हुआ और कहाँ चला गया, स्टोमक में चला गया, ठीक है, स्टोमक में चला गया। स्टोमक का शेप कैसा होता है, जे लाइक स्ट्रक्चर होता है, जे की तरह नहीं होता, जे लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्टोमक के बाद हमारा फूड किस में आया, ऐसे हमारा एक वाइल लाइक स्ट्रक्चर है वो हमारा क्या है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ मैंने बताया था आपको 7.5 मीटर
7.5 मीटर लॉन्ग। यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड होता है, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। ओके, जो पूरा डाइजेशन जो होता है वो कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, 7.5 मीटर लॉन्ग होता है। उसके बाद ये हमारा क्या करता है, इसके नाम क्यों रखा गया, नेम ड्यू टू विड्थ। विड्थ जो है इसका क्या है, कम है, इसलिए इसको क्या बोला गया, स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो लार्ज इंटेस्टाइन उसका विड्थ क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन की, लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, लार्ज इंटेस्टाइन का जो लेंथ है वो कितना है, 1.5 मीटर लॉन्ग। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है वो बताइए, 1.5 मीटर लॉन्ग तो हो गया, ये एब्जॉर्ब करता है वाटर एंड साल्ट्स को। लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब वाटर एंड साल्ट्स। कहाँ से एब्जॉर्ब करेगा वाटर एंड साल्ट को, फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड। अनडाइजेस्टेड फूड से क्या करता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है। अब हम लोग ग्लैंड्स के फंक्शन को देखेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद आता है रेक्टम में, रेक्टम का फंक्शन क्या होता है, वो वेस्ट मटेरियल को स्टोर करके रखता है, टेम्पोरली स्टोर द वेस्ट प्रोडक्ट्स, टेम्पोरली स्टोर द वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ आवर बॉडी। हमारा जो बॉडी है उसके जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है उसको क्या करता है, कुछ देर के लिए स्टोर करके रखता है, और उसके बाद एनस के थ्रू बाहर आ जाता है। एंड नेक्स्ट आता है हमारा एनस, फाइनली द वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिलीज थ्रू द एनस, फाइनली द वेस्ट प्रोडक्ट्स, फाइनली द वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिलीज थ्रू द एनस, आर रिलीज बाय द एनस। ओके, नाउ वी डिस्कस द वन बाय वन द ग्लैंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इज द स्लेवरी ग्लैंड्स विच रिलीज स्लेवरी एमाइलाइज, मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लैंड की बात करें, जो हमारे बॉडी में ग्लैंड्स पाए जाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है हमारे स्लेवरी ग्लैंड्स, जो सलाइवा से होता है स्लेवरी ग्लैंड्स रिलीज करता है, रिलीज स्लेवरी एमाइलेज। ओके, स्लेवरी एमाइलेज को सीक्रेट करता है। नाउ सेकेंड वन इज दैट लीवर, लीवर इज सिचुएटेड इन द लार्ज राइट साइड ऑफ आवर बॉडी, एंड लीवर हमारा क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है, लीवर है, और लीवर क्या सीक्रेट करता है, बाइल जूस। मैंने आपको बताया था कि लीवर रिलीज बाइल जूस, लीवर क्या रिलीज करता है, बाइल जूस रिलीज करता है, जाके कहाँ स्टोर होता है, गैल ब्लडर में। ओके, लीवर रिलीज बाइल जूस विच स्टोर इन गाल ब्लैडर। ओके, तो ये आपका कहाँ जमा हो जाता है, गाल ब्लैडर में जमा हो जाता है। ठीक है, और गाल ब्लैडर क्या बैग लाइक स्ट्रक्चर है, इट इज बैग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद हम बात किए थे पैनक्रियास के बारे में। थर्ड हमारा है पैनक्रियास। पैनक्रियास क्या है, क्रीम कलर ग्लैंड। फर्स्ट पॉइंट इज क्रीम कलर ग्लैंड। ओके, क्रीम कलर ग्लैंड है, कहाँ पे प्रेजेंट है, बैक साइड ऑफ द स्टोमैक, प्रेजेंट ऑन द बैक साइड, जो हमारे स्टोमैक है उसके पीछे प्रेजेंट होता है, बैक साइड ऑफ स्टोमैक। ओके, जो हमारा स्टोमैक है उसके बैक साइड में प्रेजेंट है। इट थर्ड पॉइंट इज दैट इट रिलीज पैनक्रियाटिक जूस विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ
which help in the digestion of carbohydrate and protein, which help in the digestion of carbohydrates, which help in the digestion of carbohydrates and protein. It release pancreatic juice, which help in the digestion of carbohydrates, proteins and fats. ओके, ये चीज़ याद रखना, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स की डाइजेशन में क्या करता है, हेल्प करता है आपका कौन, पेनक्रियास. ठीक है, तो अब हम बात करेंगे एक डेमो के साथ, एक आपको डायग्राम के साथ. स्टूडेंट्स, मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग आपके सामने एक फिगर मैं आपको दिखा रहा हूँ. ये फिगर देखिए, ये फिगर है आपका, ये है इसका थुथना, जिसका मुंह है इसको बोलते हैं हम लोग लोकल भाषा में थुथना. ये इसका माथा है, ये आई, ये कान है. स्टूडेंट्स, हमारे पूरे डाइजेस्टिव जो भी हमने पढ़ा उसमें कान, आई का कोई फंक्शन है नहीं, कान का तो कोई फंक्शन है नहीं. दांत का फंक्शन तो है, क्योंकि चिबाते तभी सलाइवा सीक्रेट होता है, तभी हमारे फूड को धीरे धीरे करके वो नीचे लेके जाता है. ठीक है, अब हम बात करेंगे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. ठीक है, जब हम पानी पीते तो हमारा क्या देखोगे आप, मूवमेंट जो होता है फूड का, अंदर बाहर ये पाइप आपको हल्का हल्का मतलब मूवमेंट ही दिखाई देता है वो, क्योंकि नीचे जा रहा है खाना. ऐसा आप मिरर में देखोगे तो पता चलेगा आपको. तो ये जो एसोफेगस है, इसका मूवमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स. जब यहाँ से फूड पास होगा, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होगा, उसको बोलते हम लोग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. ओके, इसके बाद ये हमारा क्या लीवर है, ये हमारा लीवर है जो हमारे बॉडी के राइट साइड में प्रेजेंट है, जो हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड है. ये भी पता होगा आपको, ब्राउन कलर का आपको दिख भी रहा है तो ब्राउन कलर का तो आप याद रख सकते हो, ब्राउन कलर का ग्लैंड है. सीक्रेट करता है बाइल जूस को रिलीज करता है, जो कि गाल बैडर में जाके जमा होता है. ठीक है, अभी आ गया आपका स्टोमैक, जो जे लाइक स्ट्रक्चर है, मैंने आपको बोला था जे लाइक स्ट्रक्चर आप बोल सकते हो, जे लाइक आपका स्ट्रक्चर है. इसके अंदर क्या है, HCL है. HCL क्या करता है, जो आपके जम्स है उसको मार देता है, जो आप फूड के साथ ले चुके हो. गए मार्केट में, समोसा खा लिए ठेला वाला, चाउमीन खा लिए, मैगी खा लिए ठेला से लेके आए, पापा चाउमीन ले आना, पापा माऊ ले आना, पापा चाऊ ले आना, अरे पापा मोटू पतलू ले आना, अरे भैया खा तो लिए, और इसके अंदर जाके कीटाणु चला गया. ठीक है, तो याद आ गई शक्तिमान वाला लास्ट एपिसोड है ना, कि हमें बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, खुले का खाना नहीं खाना चाहिए. चला गया तो इसके अंदर पेट में चला गया, तो कौन मारता है एकरा, कौन मारेगा, HCL मारेगा. HCL मार देगा, उसके बाद आपका कहाँ आ गया, ये आ गया आपका इंटेस्टाइन, ये आपका गया इंटेस्टाइन. और ये आपका इंटेस्टाइन में जब चला जाएगा तो इसका लेंथ कितना है, 7.5 मीटर लॉन्ग है. अब ये इंटेस्टाइन के अंदर क्या होगा, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड होगा, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड होगा. अब हम बात करेंगे आपका लार्ज इंटेस्टाइन की, तो लार्ज इंटेस्टाइन का लेंथ कितना, 1.5 मीटर लॉन्ग होता है. बच्चा यहाँ पे आ गया, उसका रेक्टम आ गया, उसका एनस के थ्रू बाहर हो गया. अब हम बात करेंगे एक अपेंडिक्स होता है, ये आपको एक छोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा वाइट कलर का, ये अपेंडिक्स है. ये अपेंडिक्स का कोई भी फंक्शन हमारे बॉडी में नहीं है, इसलिए डॉक्टर कभी कभी जब किसी कारणवश किसी पेशेंट का ऑपरेशन करते हैं तो अपेंडिक्स भी पूछ लेते हैं कि निकालना है या नहीं निकालना है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना करे. इसका बॉडी में कोई भी फंक्शन नहीं है, तो हम लोग इसको साइंस में बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन. ओके, इसको लिख लेंगे वेस्टिजियल ऑर्गन. अपेंडिक्स इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी. ठीक है, ये क्या वेस्टिजियल ऑर्गन है, जिसका कोई भी फंक्शन हमारे बॉडी में नहीं है. तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा बच्चा, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा. इसका डायग्राम आप एकदम अच्छे से देखो, ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसके डायग्राम्स कैसे दिखते हैं, कैसे क्या होता है. वैसे तो मैंने आपको बोर्ड्स में भी बता दिए. ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आ गई, जो हमें मेरे दिमाग में बहुत दिन से था कि मैं आपको समझाऊं. और मैं आपसे दो चार क्वेश्चन भी पूछना चाहूँगा कमेंट बॉक्स में, कि फर्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि लेंथ कितना होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, सेकंड क्वेश्चन बताइएगा कि लेंथ क्या होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला बताइए, दूसरा लार्ज इंटेस्टाइन का बताइए, तीसरा बताइएगा कि सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड हमारे बॉडी का क्या है, विच वन इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी. फोर्थ क्वेश्चन बताइएगा कि पेनक्रियास का कलर कैसा होता है. फिफ्थ क्वेश्चन बताइएगा कि लीवर जो सीक्रेट करता है बाइल जूस, जो रिलीज करता है,
वो कहाँ पे जाके जमा होता है। ओके, उसके बाद बताइएगा कि HCl का फंक्शन क्या होता है। ये आप मुझे कॉपी में भी लिख के दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉपी में लिख लो, मुझे भेज दो, मैं देख लूँगा, मैं सब्जेक्ट टीचर को भेज दीजिए। उसके बाद मैं बात करूंगा कि आपके जो भी आपने जो छोटे टर्म सीखे, जैसे लीवर का कलर क्या होता है ये आप बताइए मुझे, लीवर जो है आपका कौन से कलर का है, लीवर का फंक्शन क्या है वो मुझे बताइए, और मुझे ये बताइए कि लीवर हमारे बॉडी के लेफ्ट या राइट कहाँ प्रेजेंट होता है। द लीवर प्रेजेंट इन विच साइड ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी के किस साइड में प्रेजेंट है। ओके, और हमें ये बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन कि पेनक्रियास किस चीज़ का डाइजेशन में मदद करता है, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, किसका फंक्शन किस में, मतलब जो हमारा ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स का डाइजेशन पेनक्रियास क्या करता है या नहीं करता है। एक और बात जो मैं पेनक्रियास के बारे में आपको बता दूं कि पेनक्रियास फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पॉइंट यहाँ लिखूँगा, पेनक्रियास रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल, पेनक्रियास रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल। जो व्यक्ति, जो ह्यूमन डायबिटीज से पीड़ित है, मीन्स शुगर का पेशेंट है, तो उसके बॉडी में पेनक्रियास काम नहीं करता है, जिसके कारण वो क्या करता है, इंसुलिन लेता है। ठीक है, तो पेनक्रियास रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल। ओके, दोस पर्सन सफर फ्रॉम डायबिटीज़ मैं आपको बता दूं क्या होता है, उसमें डॉक्टर क्या करता है, जो पेशेंट होता है उसको मीठा खाने के लिए मना करता है, मतलब मीठा उसको नहीं खाना है, तो वो क्या करता है, दे यूज़ इंसुलिन। ठीक है, ये इंसुलिन जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर ये इंसुलिन उनके बॉडी में नहीं होगा तो वो फिर क्या होगा, वो इंसान मर सकता है। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि पेनक्रियास जो रिलीज करता है पेनक्रियाटिक जूस, उसका फंक्शन क्या है, पेनक्रियास का कलर कैसा होता है। बस आज के लिए इतना ही क्वेश्चन, तो बी हैप्पी, इंजॉय करिए क्लास को, बी पीसफुल, पापा मम्मी को तंग मत करिए, एंड बी हैप्पी और आगे बढ़ते रहिए। मेरा आशीर्वाद आपके साथ, मैं बेस्ट विथ यू, थैंक यू।